Imagine a marketplace full of traders and merchants, each one shouting their offers and trying to catch the eye of a potential buyer. लेकिन उन सब में there's a mysterious stall जिसको सब जानते हैं लेकिन फिर भी it stands out. Welcome to the world of stock exchanges. आज के वीडियो में हम एक ऐसे exciting सवाल पर discussion करेंगे. BSE खुद अपनी platform पर listed क्यों नहीं है? In fact, दुनिया भर के सभी स्टॉक एक्सचेंजेस अपने शेयर्स अपने प्लेटफॉर्म पर लिस्ट क्यों नहीं करते? ये बात सुनने में थोड़ी अजीब लगती है, but there is an interesting story behind it. तो वीडियो एंड तक जरूर देखिए। पहले ये समझते हैं कि स्टॉक एक्सचेंज होता क्या है। Let's take an example. Myntra या Amazon पर जब आप शॉपिंग करने जाते हैं तो वहाँ बहुत से सेलर्स अपना प्रोडक्ट बेच रहे होते हैं और हम एज अ कस्टमर उनके प्रोडक्ट्स खरीदते हैं। बिल्कुल ऐसे ही मार्केट प्लेस कंपनीज के लिए भी होता है जहां वो अपने शेयर्स लिस्ट करते हैं और हमारे और आप जैसे इन्वेस्टर्स इन शेयर्स को खरीदते हैं। इस मार्केट प्लेस को ही हम स्टॉक एक्सचेंज कहते हैं। इंडिया में मेनली दो मार्केट प्लेसेस ही ऑपरेट करते हैं, एक है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE और दूसरा है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और NSE. BSE इज द ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया एज वेल एज एशिया एंड 10th लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड. Through BSE, investors get the opportunity to trade in equities, mutual funds, debt instruments, etc. वहीं अगर हम NSE की बात करें तो in 2021, this exchange system ranked 4th in the world according to the metric of its trading volume. इतना ही नहीं, NSE was also the first stock exchange in the country to introduce electronic trading facilities. As of April 11, 2023, the total market capitalization of NSE is approximately $3.26 trillion, putting it in 9th place on the list of the largest stock exchanges in the world. Well, stock exchanges भी public जा सकती हैं, यानी कि listed companies बन सकती हैं. और हम सब तो जानते ही हैं कि BSE खुद एक लिस्टेड कंपनी है, बट इट इज ओनली लिस्टेड ऑन NSE बट नॉट ऑन इट्स ओन प्लेटफॉर्म BSE. इसका बहुत बड़ा रीजन है सेबी रेगुलेशंस, व्हिच डू नॉट प्रोवाइड सेल्फ लिस्टिंग ऑफ अ स्टॉक एक्सचेंज. NSE ट्राइड टू पिच सेल्फ लिस्टिंग बट सेबी रिजेक्टेड दिस एंड स्टेड फर्म ऑन इट्स क्रॉस लिस्टिंग रूल. BSE को इस क्रॉस लिस्टिंग रूल से कोई इशू नहीं था, सो दे गॉट लिस्टेड ऑन NSE, लेकिन NSE ने इसे एक्सेप्ट नहीं किया था. The other reason is, अगर exchanges खुद को list करेंगे, they might even get some unfair advantage, जो कि गलत है. Also another problem could be conflict of interest. अब ये तो वही बात हो गई कि आप अपनी ही दुकान में शर्तें भी खुद ही बनाएं और उन्हें तोड़े भी खुद ही, which again is not right. लेकिन ऐसा system हर जगह follow नहीं किया जाता है. Self listing को बहुत सी developed markets ने accept किया है. For example, the Australian Stock Exchange. ASX ने ऑस्ट्रेलियन सिक्योरिटीज एंड इन्वेस्टमेंट्स कमीशन दैट इज ASIC के साथ एक MOU साइन किया है जिसके तहत ASIC ASX की एक्टिविटीज को मॉनिटर और सुपरवाइज करते हैं. अगर आप किसी और स्टॉक एक्सचेंज के बारे में जानते हैं जो लिस्टेड हो तो हमें कमेंट में जरूर बताइए. आई होप आपका कंफ्यूजन क्लियर हो गया होगा. इफ यू हैव एनी मोर डाउट्स डू लेट अस नो इन द कमेंट्स एंड टू क्लियर देम सब्सक्राइब टू स्टॉक ग्रोज यूट्यूब चैनल.